नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विश्व में हिंदी भाषा की पहचान पर रखे विचार। रविवार को 4,115 दिव्यांगों को मिलेंगे सहायता उपकरण। प्रशासन की तैयारियां पूरी। CDO ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। शासन द्वारा संचालित विद्युत योजनाओं की पावर कारपोरेशन की MD ने किया समीक्षा। दिया शासन के सौभाग्य योजना को शिविर के जरिए लागू करने का निर्देश। राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग जनों के उपकरण वितरण समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थावर चंद गहलोत। मतदाता सूची पुनरीक्षण की कमिश्नर अनिल कुमार ने की समीक्षा। 9 फरवरी तक सूची जारी करने के दिए निर्देश। SBI कर्मचारियों ने प्रबंध समिति के असहयोग नीति का किया विरोध। दी चेतावनी, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 7वां जनपदीय वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। शिक्षकों ने जन शिक्षा के लिए जन अभियान की प्रासंगिकता विषय पर रखे विचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुआ युवा काव्य गोष्ठी प्रतियोगिता। प्रतिभागियों ने दिखाया हुनर। सपा की मासिक बैठक हुई संपन्न। सदर लोकसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए कसी कमर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वेदिका के दूसरे दिन लगी 6 राज्य के 8 विश्वविद्यालय की कला प्रदर्शनी। विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदूवादी संगठनों की बैठक हुई संपन्न। 18 से 31 मार्च तक पूरे भारत में आयोजित होने वाले एक माला जप और राम उत्सव कार्यक्रम की सफलता पर बनाई गई रणनीति। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने DM कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर बोर्ड परीक्षाओं को बहिष्कार करने की दी चेतावनी। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने किया दीपदान। प्रदेश सरकार से की चंदन के हत्यारों को फांसी की मांग। और 10 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का संधि सुलह एवं अपराध स्वीकृति के आधार पर होगा निस्तारण। अब समाचार विस्तार से। जंगल धूसर स्थित महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कन्हैया सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव, कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सदानंद प्रसाद गुप्ता, जिलाधिकारी राजीव रौतेला, SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज सहित कॉलेज के कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट करके छात्रों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला में वक्ताओं ने स्वतंत्र भारत में हिंदी की विकास यात्रा विषय पर अपने अपने विचार रखे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए हिंदी भाषा को विश्व में कैसे पहचान मिले इस पर चर्चा की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, मनोरंजन करते हैं तो मामला हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में सभी निगमों और ऐसी ही संस्थाओं द्वारा किए गए काम का ब्यौरा सदन के भीतर रखने की परंपरा है। कॉर्पोरेशंस का, सरकार से जुड़ी अन्य संस्थाओं का विवरण विधानसभा में, विधान परिषद में रखा जाता है। उसको कहा जाता है सदन के पटल पर रखना। सबको बचता है सभी विधायकों को, और विधायकों को अधिकार फिर मिल जाता है कि भाई ये सदन की प्रॉपर्टी हो गई, इसके आधार पर हम सवाल जवाब कर सकते हैं। आमतौर पर जब उसे मंत्री घोषणा करता है कि मैं इसे रखता हूं, उस समय बहस की परंपरा नहीं है। उसे बताना पड़ता है, टिप्पणी उसी साहित्य के साथ रहती है कि इन कारणों से देर हो गई, मैं पहले रखना चाहता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद दल में विधायकों का नेता था। मैंने सोचा कि अभी इस पर क्या बोला जा सकता, क्योंकि इस पर डिस्कशन तो आएगा नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी कारण पढ़ा कि लेट क्यों रखा गया, समय पर क्यों नहीं आया। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि चूंकि हिंदी में अनुवाद कराने वाले लोगों की कमी है और हिंदी
हिंदी अनुवाद तात्कालिक रूप से करना कठिन था, इसलिए इसे 6 महीने विलंब से हम रख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह बात कही गई सरकार की तरफ लिखित रूप में, इंडिपेंडेंट टिप्पणी दी गई। मैं खड़ा हो गया, तो हमने कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा की भाषा हिंदी है, हमारे यहाँ नियमावली में लिखा हुआ कि विधानसभा के भीतर आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, विधानसभा में, विधान परिषद में आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। अगर कोई उद्धरण बड़ा अनिवार्य देना हो तो आप उद्धरण देने के पहले कहेंगे कि मैं अंग्रेजी में उद्धरण रख रहा हूं, इसका हिंदी अनुवाद इसके फौरन बाद कर दूंगा, तब आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कोई बात कहना बड़ा अपरिहार्य हो तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की भाषा हिंदी, उत्तर प्रदेश सरकार की भाषा हिंदी, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों की भाषा हिंदी, और जो पत्रक रखा जा रहा है विधानसभा के भीतर, विधान परिषद के भीतर, वो इसलिए समय पर नहीं रखा जा सका, सरकारी पक्ष की दलील थी कि हमारे पास हिंदी अनुवादकों की कमी है। मैंने प्रश्न किया सरकार से, अहमद हसन जी उस समय सत्ता पक्ष के प्रमुख थे, मंत्री थे, तो मैंने कहा यह अनुवादक कब से नहीं है, तो बात फैल और आगे दूसरी दिशा में चली गई। हमारी सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई प्रपत्र अंग्रेजी में है, कोई विषय अंग्रेजी में तैयार किया गया है, तो उसके अनुवादक तात्कालिक रूप में होने चाहिए और बहुत नियत समय के भी पहले हिंदी में वो काम हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं, कब तक आप भर्ती कर रहे हैं और ऐसा है क्यों? फिर मैंने जब उन्होंने कहा अतिशीघ्र कर देंगे, अब आप तो बात पकड़ लिए हैं, और एक लाइन की बात थी, बहुत छोटी टिप्पणी थी जहां से हमने निकाला था इसको कि विलंब से इसलिए रखा जा रहा, तो मैंने कहा कि क्या हिंदी में ही रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में नहीं तैयार हो सकती कॉर्पोरेशन की, पहले अंग्रेजी में तैयार हो फिर हिंदी में तैयार, क्या ऐसे लोग नहीं है क्या? ये बातें सरकारी कामकाज की है जो मैंने आपको बताई। भारत का संविधान जब बन गया था और संविधान सभा उठने वाली थी, तो दिन दो तीन भाषण बड़े महत्वपूर्ण है जो मौका लगे तो पढ़ना चाहिए। एक भाषण डॉक्टर अम्बेडकर का है, एक भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संविधान बन गया है, राजेंद्र प्रसाद जी का भाषण है संविधान, संविधान बन गया है, भारत के लोगों ने स्वयं अपना संविधान बनाया है, अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया। लेकिन दो बातें मेरे मन में बड़ी दुख की हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है, दो बातों के लिए मुझे हमेशा दुख रहेगा। एक कि जो लोग इस संविधान को चलाने की शक्ति पाएंगे आगे, अर्थात विधायक सांसद मंत्री, ये राजेंद्र प्रसाद जी का उनकी ओर इशारा, उनके लिए हमने इस संविधान में कोई योग्यता ही नहीं रखी। ये उन्होंने बताया कि दो पीड़ा के बिंदु हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का हमेशा कष्ट रहेगा कि ये संविधान हमने हिंदी में नहीं बनाया, पहले अंग्रेजी में बनाया है, इसका अनुवाद हम बाद में करेंगे। ये पीड़ा बहुत उन्होंने बताया कि अगर हिंदी में बनाए होते, भारत का संविधान हिंदी में नहीं बना, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष, वो इस बात को लेकर व्यथित थे कि हिंदी में बना होता, अनुवाद की बात दूसरी, और बाद में उसका अधिकृत अनुवाद हुआ, ये बात ठीक है अनुवाद हुआ लेकिन हिंदी में नहीं बना। वैसे भी बहुत कम हिंदी में हुई, ज्यादातर सदस्यों में बहुत सदस्य नहीं जानते रहे, उनकी कठिनाई रही होगी, लेकिन बहुत सदस्य जो जानते थे वो भी अंग्रेजी में ही भाषण करते रहे। तो संविधान सभा को ही बड़ा प्रेरणा देगी हमको। मैंने पहले कहा कि मैंने संविधान सभा की पूरी संविधान सभा, भारत का नाम कैसे रखा गया, ऐसे जो गुण विषय है नाम, अब इंडिया का किस राज्य कोई नाम है, तो इस पर भी लंबी बहस हुई, और कमलापति त्रिपाठी से गोविंद दास जैसे लोगों ने कहा कि इसका नाम आर्यावर्त होना चाहिए, भारत का नाम ब्रह्मदेश होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए, इंडिया कहां से आ गए, ये कमलापति त्रिपाठी ने कहा। और इस पर जब उलट पड़ा तो ओट में भारत के पक्षधर हार गए, इंडिया के पक्षधर जीत गए, ये सब विधानसभा में लिखा हुआ वोटिंग हुई, और वोटिंग हुई तो डॉक्टर अम्बेडकर का प्रस्ताव जीत गया, इंडिया जीत भारत। हम ये कोई विषय इसलिए नहीं उठा रहे, कोई परिस्थिति रही होगी, संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ने का आनंद सिर्फ इस बात तक मेरे लिए, विद्यार्थी के रूप में,
इस बात तक सीमित है कि पूर्वज कैसा सोचते थे, पूर्वज कैसा आचरण करते, संविधान सभा कैसे चलती थी, भिन्न भिन्न विषयों पर उनके दृष्टिकोण क्या थे, भारत की राष्ट्रीय एकता के बारे में उनकी कल्पना क्या थी, भारत की सांस्कृतिक इकाई के रूप में अस्मिता हजारों साल पहले से थी, क्या पूर्वज ऐसा सोचते थे? हाँ सोचते थे। संविधान सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन का भाषण और संविधान सभा में अनेक भाषण, लोकनाथ मिश्र जी के भाषण, ऐसे तमाम लोगों के भाषण ऐसे हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं। लेकिन एक संस्था के रूप में उन बहसों से, जैसे हिंदी वाला खंड कल जो भी संविधान सभा से उद्धृत करके बोलेंगे, तो मुझे विश्वास है कि उससे तमाम अंश ऐसे निकलेंगे जिनसे हम तात्कालिक समाज की, तात्कालिक चुनौतियों की, तात्कालिक परिस्थितियों की व्याख्या और विवेचन करने में हमको कोई दिशा मिल सकती है। मैं कोई भाषा का जानकार नहीं हूं और ना ही मैंने हिंदी साहित्य का ही अध्ययन किया है। लिखने पढ़ने से कई बार प्रचार हो जाता है, अखबार में आ जाता है तो प्रचार हो जाता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा विद्वान हो गया है। तो जैसे कोई कपड़े उतार कर घूमे लुंगी लगाकर, तो गांधी नहीं हो जाता, नहीं सबसे पहले गांधी जी से बड़ी बिपाशा बसु हो जाते। हाँ, केवल वस्त्र आभूषण से और प्रकट व्यक्तित्व से कोई चीजें ऐसी नहीं थी। अब अखबार में छपने से कोई विद्वान होता होगा तो जितने भी विज्ञापन निकले हैं तो फिर कालकेटे विद्वान हो गया होगा। तो ऐसे जो विद्वान बैठे हैं उनके साथ बैठना, जैसे बीमारी संक्रमण होती है, आप टीवी वाले के पास बैठे, टीवी वाले के पास बैठे तो खांसी बीमारियां आ जाती है। विद्वान के पास बैठे तो साहब ही विद्वता भी संक्रामक होती, जैसे बीमारी संक्रामक तो संक्रामक बीमारियों वाले से बचना चाहिए और जो विद्वान ज्ञान को संक्रामक बनाकर पास बैठने पर ही ज्ञान दे देते, ऐसे लोगों के साथ बैठते हुए, ऐसे लोगों को सुनते हुए, ऐसे लोगों से प्रीति और प्रेम ऐसा आचरण करते हुए कुछ बातें जो हम लोगों के ध्यान में आती हैं उनको जोड़ घाट कर अखबार में लिखना, इस आधार पर कोई विद्वान नहीं हो जाता। मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी के प्रति हमारा अनुराग है, हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं और हिंदी का प्रसार अब सारी दुनिया में होगा। कब लोगों को मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े भाग में हिंदी बिल्कुल पंख फैलाकर उड़ी है और अब अमेरिका में भी हिंदी बोली जा रही है। जो अमेरिकी है वह भी प्रयास करते हैं कि जो वहां हिंदी भाषी हैं उनसे वार्ता करते समय हम हिंदी में ही बात करें। मैं पिछले माह एक संसदीय सम्मेलन में ढाका में था, फिर सिंगापुर में भी था, और जब सिंगापुर में बहुत पहले जाया जाता था तो वहां पर हिंदी में केवल एक मोहल्ला था जिसे उन लोगों ने लिटिल हिंदी का नाम रखा है, वहां पर तो हिंदी और तमिल चलती थी, बाकी जगह नहीं चलती थी। लेकिन इस बार अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 20-25 दिन पहले की बात, मैं सिंगापुर था किसी अपने अध्यक्षीय दायित्व के काम से और ढाका में 4 दिन का सम्मेलन था, तो ढाका में भी देखा कि हिंदी चल रही। और ढाका में एक बात और नहीं देखी जो इंस्पायर करने वाली, प्रेरित करने वाली हमको आपको, कि वहां के लोग अपनी भाषा बांग्ला भाषा के प्रति बड़े अनुरागी हैं और फिर वो प्रयास करेंगे कि आपसे हिंदी में बात करें, लेकिन वो अंग्रेजी में बात करने के इच्छुक नहीं दिखाई पड़े। ये बात बहुत अच्छी दिखाई पड़ी और ये बात अपने यहाँ कलकत्ता के आसपास भी दिखाई पड़ती। कलकत्ता में पिछले ही सप्ताह था, वहाँ हिंदी का ही पुरस्कार मुझे घोषित किया गया था, तो मैं वहाँ कलकत्ते में था, वहाँ भी हमने ये पाया कि वो हिंदी में और हिंदी में वार्ता करते हैं, तो वो लखनऊ या गोरखपुर की तरह हिंदी में वार्ता नहीं करते। लखनऊ में कोई बात करता है तो उसके बीच में 2-3 शब्द अंग्रेजी के जरूर कह देता है, एक्चुअली आज बड़ा विंटर है, कोई कोई बात अंग्रेजी, बगैर अंग्रेजी के वो 4 वाक्य नहीं बोल पाता। और लेकिन कलकत्ता में हमको कोई ऐसा नहीं मिला कि वो बीच में अंग्रेजी का वो झालर, अंग्रेजी का कुकुर बीच में लगाए, ऐसा नहीं मिला। मुझे अंतिम बात ये कहनी है कि भाषा का रूप स्वरूप हिंदी का बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। कुछ तो हम लोग
अपने आदतों के कारण बिगाड़ गए। तकनीकी में भाषा को संक्षेप में कहना और संक्षेप में कहने के कारण वाक्य में क्रिया का न लगाया जाना। कविता में तो चलता है, आप क्रिया में लगाइए, वाक्य लगाइए। कई बार हम अपने कवि मित्रों को चिढ़ाने के लिए कहा करते हैं, जब सामने बैठे होते हैं पीछे नहीं, कि जो हम गद्य लिखते हैं उसमें क्रिया पहले कर दीजिए और जो करता है उसको नीचे कर दीजिए तो कविता बन जाती है। ऐसा मैं कई बार हंसी मजाक में कहता हूँ। तो तकनीकी में भाषा का प्रयोग, हिंदी का प्रयोग, और जो ये संक्षेप में कहना, ट्विटर में कहना, व्हाट्सएप पे कहना, एसएमएस में कहना, फेसबुक पर कहना, इस पर जो हिंदी लिखने के इच्छुक मित्र होते हैं हिंदी में अपनी बात कहने के, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा सुंदर अवसर आया है कि वो लेखक हो सकते हैं। एक पैराग्राफ जो भी लिखा वो सोचकर ठीक से लिखा, वो कवि हो सकते हैं, अच्छा मंच मिला, लेकिन वो अपनी भाषा जिस भाषा में निकालते हैं उस भाषा के कारण भी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। हम सबको तो एक जगह बैठाया नहीं जा सकता, फेसबुक वालों को, ट्विटर वालों को, और जो ऐसे यंग इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी का प्रयोग हमेशा समाज के सुख सुविधा संवर्धन के लिए होना चाहिए। भारत में सुख सुविधा संवर्धन के लिए ना तो कभी तकनीकी का उपयोग सोचा गया। भारत का पूरा अधिष्ठान, भारत की सोच का, सोचने की भारतीय दृष्टि और भारत के मन और बुद्धि और प्रज्ञा पूरा का पूरा अधिष्ठान रहा कि भाषा भी अगर हम मानते हैं कि भाषा हमारे जीवन का सबसे अच्छा उपकरण है और भाषा है भी हमारे जीवन का सबसे अच्छा उपकरण, तो क्या भाषा अस्तित्व से संवाद बनाने में सक्षम है? लोकमंगल साधने की दृष्टि से हमारी भाषा की क्या उपयोगिता है? क्या भाषा एक हम लोगों को परस्पर एकात्मक रूप में जोड़ने का काम कर सकती है हमारी भाषा? ऐसे अनेक प्रश्न हैं। इस राष्ट्र के जीवन का पूरा ध्येय व्यक्त होता रहा है कि यह सृष्टि पूरी की पूरी एक है, अनेक दिखाई पड़ते हैं। इंद्र एक है, अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। इंद्र अर्थ है को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा, ये त्रिवेशक मंत्र है। उसके 500 साल बाद, 600 साल बाद या 1000 साल बाद कठोपनिषद खड़ी होगी कभी, तो वहां पर अग्नि के बारे में यही बात बिल्कुल ज्योति तो एक परंपरा है कि जो पूरा विराट है उसमें दिखाई पड़ने वाले रूप, उसमें दिखाई पड़ने वाले प्रतिरूप, उसमें उसके भीतर से आने वाला भाव जगत को अभिव्यक्त करने वाली भाषा और भाषा को अनुशासन देने वाला व्याकरण, इन सबसे बहुत हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद हिंदी के बारे में हिंदी के ही लोगों की राय रहती है। कहते हैं हिंदी है तो ठीक, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संविधान कुछ किंतु परंतु के साथ है, लेकिन है। और अब हिंदी को कोई सरकार चाहे तो रोक ले, अब ऐसा संभव नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा थी और भारत के अधिकांश हिस्से में पहुंच गई है भाषा के रूप में, बोली के रूप में। और उत्तर प्रदेश में अनेक संस्थाएं हैं ऐसी जो हिंदी में लिखने वाले दक्षिण भारतीय विद्वानों को भी सम्मानित करने का काम करती। मुझे लगता है इस बार भी आपने ऐसा किया है। मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था, और हम सब लोग हिंदी वाले हैं, हिंदी में रोए, हिंदी में हंसे, अंग्रेजी में तो हंसने का भी अपना अलग तरीका होता है। हिंदी में गाएं, और जो लोग लिख सकते हैं, जो गा सकते हैं, जो काव्य सब्जेक्ट, जो वक्ता है, उनके उनसे हमारा अनुरोध है, हमारी अपील है कि राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से व्याकरण को लेकर और उसकी अंतर्वस्तु को लेकर, उसके प्रवाह को लेकर, उसके योजक अव्यय को लेकर, कंजंक्शन और एवं तथा किंतु परंतु लेकिन आदि, तो एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स के बाद 2 बातें और आगे समाप्त करने जा रहा हूँ। हमारा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मन माइंड सेट वो कॉम्प्लेक्स, एक बात सुनते दूसरी बीच में पिल जाती है, जिसे रोड जाम होता है, उधर से
ट्रक आ गया, उधर से फल वाला आ गया, बीच में मछली वाला आ गया, उसी की वजह रहा है होम गार्ड तो दरोगा आ गया। ऐसा मस्तिष्क में जब विचार आते हैं तो कॉम्प्लेक्स उनको क्रमबद्ध रूप में रखना ये बड़ा कठिन काम। कैसे रखा जाए, जो लोग लिखते हैं उन्हें इसका ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका लिखा पढ़ा जाएगा तो माना जाएगा हिंदी कमजोर है। क्या हम योजक अव्यय घटाकर किसी वाक्य को स्वतंत्र कर सकते हैं? कोई कहेगा कि पढ़ाने आ गए तो हम तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, यही काम है 5 साल का। हम भाषा की तबाह को क्या पतंजलि के योग सूत्रों जैसा बना सकते हैं? महाभाष्य से पढ़ा जा सकता है इसके, और अगर ना पढ़ा जाए तो मैंने संस्कृत में और अन्य भारतीय भाषाओं में जो भी किताबें पढ़ी हैं तो पतंजलि अपने योग सूत्र में पूरी बात आधे श्लोक में कह देते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधा, बात पूरी हो गई। अब क्या इसमें बहुत लंबा चौड़ा कहने की आवश्यकता थी क्या? प्रज्ञा के बारे में पतंजलि कहते हैं तस्य प्रज्ञा ऋतंभरा, उसकी प्रज्ञा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं, छोटे वाक्य में कह सकते हैं क्या, जिसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, तो क्या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से हम अलग? बेशक हमारा दिमाग हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहता है, एक ही वाक्य शुद्ध निकले, एक ही वाक्य अपनी पूरी गरिमा और अस्मिता के साथ स्वतंत्र सत्ता में रहे थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हमको ऐसा करेंगे तो उचित रहेगा। हम राजनीतिक कार्यकर्ता माइक पा जाते हैं तो छोड़ते नहीं, तो अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र में हूँ जो गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है, और मेरा पुनः सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र में हूँ, उस विद्यालय में हूँ, उस धरती पर हूँ जिसके पोषण की दृष्टि से, जहाँ पर आम जनता को सुख समृद्धि देने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में हूँ। मैं तो बिल्कुल सौभाग्य सौभाग्य ही सौभाग्य है, और मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं मुझे आप पुरुष न माने महिला माने तो ये कह सकते हैं कि अखंड सौभाग्य होती बहुत। मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, बच्चे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत प्यार बहुत आशीष बहुत शुभकामना आपके। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उसके अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं सदानंद जी, उनके नेतृत्व में और इस विद्यालय के परिसर में इस विद्यालय के साझे दोनों मिलकर के हिंदी के विकास पर 2 दिन की गोष्ठी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम का उद्घाटन था, अब लगातार कल तक ये कार्यक्रम इसके यहीं पर चलेंगे। तो कैसे हिंदी आगे बढ़े, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र हो, पढ़े लिखे तो खूब हो लेकिन हिंदी में कई बार हिंदी की खबरों में कई बार कहते हो कि एक्चुअली हमारे ऑडियंस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए कि ऐसे बच्चे जो आप जैसे योग्य और सुयोग्य होनहार बच्चे हैं वो हिंदी ज़्यादा बोलें और अंग्रेजी बीच बीच में कम बोलें, जहाँ घर में हो बोलें, अपने परिवार में बोलें, लेकिन दर्शकों के बीच में हिंदी में आएँ, हिंदी में हंसाएँ, हिंदी में गुस्साएँ। तो इस दृष्टि से हिंदी भाषा को और व्यापक बनाना ऐसा गोष्ठी चलने वाली है। अब मैं एक मिनट अपनी तरफ से कह रहा, तो हमको ब्याज कहाँ मिलेगा, ये तो आपके अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र 8 तारीख से होने वाला है जी। सत्र की तैयारियों की दृष्टि से 7 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सदन में नेता माननीय राम गोविंद चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता माननीय लालजी वर्मा, बहुजन समाज पार्टी के नेता, और माननीय लल्लू सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, ऐसे सारे नेताओं की एक बैठक 7 तारीख को बुलाई है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता हम विधायकों से अपेक्षाएं तमाम रखती है, और हम यहाँ पर अगर कहीं लड़ झगड़ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता नाराज़ होती है और बहुत नाराज हो जाएगी। तो जो लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं आगे उनको भेजेगी नहीं, ऐसा एक बैठक करने जा रहे हैं। ये है 7 तारीख। इसी प्रकार 7 तारीख को हम अपनी विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति, जिसे अंग्रेजी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, किस दिन क्या होगा इसकी भी बैठक करने जा रहे हैं। 6 तारीख को हम उत्तर प्रदेश विधानसभा का परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में
शांति व्यवस्था और पुलिस प्रशासन इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए बैठक करने जा रहे हैं। 8 तारीख को श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके बाद 4 दिन की चर्चा होगी। इसी सदन में बजट भी आने वाला है, इसलिए बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधायकों से अपेक्षा है कि वह इस सत्र में जमकर पढ़कर और जोर बोलें, गर्म बोलें, तीखा बोलें, लेकिन सदन की कार्यवाही सुंदर चले, लोगों को लगे कि हमने जिनको चुनकर भेजा है वह हमारे भाग्य विधाता के रूप में हमारी तकदीर और तस्वीर को जमकर काम करें। रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री थावर चंद्र गहलोत गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा कुल ग्राउंड पर क्यों वृद्ध योजना के अंतर्गत 4,115 दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिव्यांगों तथा उनके साथ आने वालों को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। इसी के साथ अलग अलग ब्लॉकों के लिए स्टॉल भी बनाए गए हैं तथा सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहाँ दिव्यांगों को कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। जिसको लेकर आज कार्यक्रम की तैयारियों का मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO अनुज सिंह ने बताया। कहा गया कि नहीं 50 का ही भेजिए पर सर, यूनिट मांगते हुए जी सर, सर। और कुछ कुछ में ये कह दिया सर कि जैसे जो बसें हैं आज नहीं जा पाएंगी, कल सुबह 6 बजे जाएंगे, कल उसको ये मतलब सही साइड है जी सर, जैसे क्लियर है बेलघाट वाले यहाँ बैठेगा, गगहा उरुआ इसमें बैठेगा सर, खजनी वाला गड़बड़ हो गया, खजनी वाला गड़बड़ हो गया, बल्कि कृत्रिम दांत इधर कर दिया तो खजनी उधर कर करवा दें जंगल कौड़िया की पढ़ाई एक साथ बिल्कुल वैसी बनी है जैसे पॉलिटिकल सभाओं में बनती है सर, सर जी सर, हम लोग भी तो अपना इसमें ही जो भी ले जाना है देखिए कल एलिम्को के सहयोग से 4,115 दिव्यांगजन लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस हेतु जितनी भी तैयारियां हैं वो सब पूर्ण कर ली गई हैं, बसें वगैरह सबकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कल लाभार्थी यहाँ पे 9 बजे से आना शुरू कर देंगे और 12:30 बजे से 1:30 बजे का कार्यक्रम है, जिसमें 4,115 लाभार्थियों को 7 तरह के उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इधर इस पूरे फील्ड को 16 सेक्टर में बांटा गया है, 16 सेक्टरों में 19 ब्लॉक के लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और लाने के लिए हर ब्लॉक में जितने लाभार्थी हैं उसके हिसाब से
उसके अनुरूप बसों की व्यवस्था की गई है। लाभार्थियों को गांव से ब्लॉक में भी लाने की व्यवस्था की गई है और वापस छोड़ने के लिए बसेस और उसके आगे फिर उनके गांव तक के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। मंडल में चल रही विद्युत परियोजनाओं की यूपी पावर कॉरपोरेशन के एमडी अपर्णा यू ने शनिवार को जीडीए सभागार में विद्युत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एमडी ने शासन के सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमडी अपर्णा यू ने बताया कि शासन की सौभाग्य योजना के अंतर्गत लोगों को शिविर के माध्यम से निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने बताया तो ये लिंक वेल वालों से रिस्पांस मिल रही है आपको लगाने के लिए? लिंक वेल में अगर कोई परेशानी आप लोग महसूस कर रहे हैं तो मैं एमडी मैम को शिकायत में डालिए। आपको मीटर लगाने के लिए कर रहे हैं? केबल कभी है ही नहीं उसके पास, कोई इंस्टॉल में कैसे करेगा? मीटर भी वही लगाएगा और लगाएंगे भी और उसको फीड भी कराएंगे। फिर इनके पास मीटर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ कह रहे हैं? लोन बेसिस पर दूसरी जगह से हमारा डीटीसी की गारंटी फिर से मैंने इनको लोन बेसिस दिलवा दिया क्योंकि इनका केबल आने वाला है। इनका फर्स्ट 500 किलोमीटर पहला है 10 तारीख को, दूसरा है 2800 किलोमीटर जो इनका, फिर मार्च में है किस तरह से हम जो संसाधन उपलब्ध है उनसे तो कम से कम काम करा दें। एस डी ओ की गाड़ी माइक लगवा दें, सबसे पहले ये इंश्योर कर लें, उसको लैपटॉप दिलवा दें, कह दे तुम अपना डोंगल लेके जाओ दो काम करके लाओ, मतलब अगले दिन से काम नजर आएगा, तब तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। बताइए ऐसे साहब क्यों कैश फंड में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लग पा रहा है? जनवरी फरवरी मार्च में नहीं लगेगी तो बताइए, ये आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या भी केवल गोरखपुर में पाइए और महाराजगंज में पाइए। गोरखपुर देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर रिव्यू। हम लोगों की हर जोन की रिव्यू हो रही है इन वेरियस स्टेजेस। डिस्कॉम लेवल रिव्यूज तो चेयरमैन साहब ने खुद लिए हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, और इसमें शासन की जो प्राथमिकता कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है इसमें अवेयरनेस जनपद के अधिकारियों के बीच में, विभाग के अधिकारियों में जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसके बारे में ज़्यादातर फोकस रहा है। और आज की जो मीटिंग रहा है और जो जोनल अधिकारी हैं, एससीज हैं, एक्सीएंस हैं, टेस्ट हैं, स्टोर्स हैं और कुछ टीकेसीज और पीएमएसी को भी हमने बुलाया है कि कार्य की प्रगति, उनकी वास्तविकता के बारे में जानकारी। क्या प्रगति है अभी जो भी अभी एक्चुअली वो सेकेंड हाफ के हैं कार्य की प्रगति, आपने कहा 3 बजे से पहले तो, बट अभी जो रेवेन्यू की प्रोग्रेस हम लोग ले रहे हैं इसमें कुछ माइक्रो प्लान की जो बिंदुएँ हैं इस पर डिस्कशन हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ अनमीटेड कनेक्शन ज़्यादा है तो फोकस ये है कि जितने भी अनमीटेड कनेक्शन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटर कर लिया जाए, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में तो फोकस काफ़ी अच्छा है, अर्बन एरियाज़ प्रोग्रेस हो गई है। लेकिन और अर्बन एरियाज़ में ये है कि जब नई जो भी नए कनेक्शन देंगे मीटर सहित देंगे, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी हमारा अनमीटेड मीटर प्रोग्रेस बहुत कम है
और इसमें भी जो सिस्टम पे आए हैं वो और भी कम है, मतलब हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, जो भी आ रहा है सिस्टम में ही आ रहा है। रूरल एरियाज में भी पूरी तरीके से हम लोगों ने इसको ऑनलाइन पे कर लिया है। तो इंटीग्रेशंस में कुछ इश्यूज है, बिलिंग में कुछ इश्यूज है, मीटरिंग एजेंसीज के साथ जो संयोजन बैठना है उसमें कुछ इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी इंडिविजुअली हर एक एक्सीएन का प्रगति हम लोग ले रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं उसमें भी, कुछ लोगों के नोटिस दिया जा रहा है, कुछ लोगों की प्रगति ठीक है, कुछ लोगों में कुछ सिस्टमिक इश्यूज हैं जिसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, बाकी कुछ नए खंड क्रिएट किए गए हैं, खंड में जो एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए वो पूर्ण है कि नहीं उसकी व्यवस्था देखी जा रही है। अंत में यही मोटे तौर पर जो हमारे लिए लक्ष्य है मार्च तक उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी मतलब किसका रेवेन्यू का, रेवेन्यू का लक्ष्य है, देखिए रेवेन्यू का लक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि आपकी मीटर्स अनमीटर टू मीटर, फिर आपके IDF को कन्वर्ट करना है, आपकी बिलिंग क्वालिटी है, आपकी क्लीनअप रेशियो, आपकी रेट्स हो रहा है कि नहीं, रेट्स में असेसमेंट की क्या क्वालिटी है, फिर आपकी डिस्कनेक्शंस की क्या प्रगति है, डिस्कनेक्शंस का क्या मॉनिटरिंग हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि डिस्कनेक्शंस की रजिस्टर की मॉनिटरिंग जैसे होनी चाहिए वो नहीं है, तो JEE अपना डिस्कनेक्शंस फिगर तो दे रहा है, वास्तव में डिस्कनेक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका क्या क्वालिटी है, तो इसको थोड़ा सा माइन्यूटली मॉनिटर करने की आवश्यकता है, एक तरीके से सिस्टमेटिक वर्क बिलिंग सिस्टम नहीं उसमें। ग्रामीण क्षेत्र सात क्षेत्र में तो डिस्कनेक्शन हो रहा है, इसमें कोई दो रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बिना डिस्कनेक्शन किए ही उपभोक्ता को पता तब चलता है जब उसके क्या पुलिस जाती है कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, बकाए में हमारी लाइन कटी थी और फिर मुकदमा दर्ज करा दिया जो चलती हुई लाइन पाए जाने पे। तो ये जो है ये चीज इससे उपभोक्ताओं का हरासमेंट हो रहा है ना, उसको पता ही नहीं, उपभोक्ता को पता ही नहीं कब हमारी लाइन कटी को भी नियमित कनेक्शन लेनी चाहिए। अगर उन्होंने करेक्ट कनेक्शन ले लिया विभाग से उसको डरने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर अनियमित कनेक्शन लिया है तो फिर वो थोड़ा सा कार्रवाई। एक और पहलू है जिसको मीडिया के माध्यम से हम लोग भी प्रचार करना चाह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है सौभाग्य योजना, जिसमें हर घर को हम लोगों को बिजली पहुंचानी है। तो यह बहुत ही कहने का मतलब है महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं सोचा गया है कि मुफ्त की बिजली कनेक्शन जो है हर घर दिया जाएगा। पहले ये होता था कि कंज्यूमर को हरास किया जाता था, वो घूमना पड़ता था, ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था, JEE के चक्कर, तो अब वो समस्या दूर करने के लिए ये हुआ है कि हर घर को हम मुफ्त की बिजली कनेक्शन देंगे एंड वो कैंप के माध्यम से वही मौके पर ही दिया जाएगा। तो इसके लिए ही संयोजन ऐप भी हम लोगों ने सृष्टि की है और इसकी लॉन्चिंग जो है 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से करकमलों द्वारा की गई थी और सौभाग्य योजना का मेगा कैंप भी उस दिन उद्घाटन की है। और अब तक जो है हम लोग सौभाग्य योजना के तहत 11 लाख कनेक्शंस हम लोग दे चुके हैं। कितना लक्ष्य है देने का? और लक्ष्य तो 1.5 करोड़ है मैडम। एक और लक्ष्य इसीलिए है कि जितने भी घर बचे हैं सबको करना है मैडम। आप ये पहले ऐसी स्थिति होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पहले मुख्यमंत्री के लेटर के बाद भी नहीं, पहले ये बहुत शिकायतें थी कि अधिकारी जो है कनेक्शन आसानी से नहीं दे रहे हैं और कनेक्शन भी दिए जैसे आप कह रहे हैं ना, इस तरीके की समस्या बहुत है। इसी को सुधारने के लिए इस योजना के माध्यम से कनेक्शंस जो है बहुत सरल हो गया है और जहाँ जहाँ कैंप्स लग रहे हैं, जैसे अभी 4 कैंप्स लगे हैं गोरखपुर में ही, 31 को भी एक कैंप लगा है, जो कैंप्स मेगा कैंप्स और फ्रीक्वेंट हो जाएगा, हफ्ते में एक बार नहीं ये तो बहुत फ्रीक्वेंट होगा, अब कैलेंडर भी हर महीने का निकल रही है, वहाँ पर एक छत के नीचे ये सारी समस्याएँ सुधर रही हैं। मतलब वहीं बैठ करके जो आप कह रहे हैं ना कि तार नहीं पहुंची, ये मीटर नहीं लगी, या किसी कनेक्शन तो लिए लेकिन ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पा रही है, या ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, बिल की समस्या है, बिल को ठीक करनी है, ये सारी समस्या एक ही छत के नीचे ठीक हो रही है। ये सही है, थोड़ा सा ये गैप रहा है कि पूर्व योजना में घर घर कनेक्शन पर स्ट्रेस नहीं है, जैसे अभी दीनदयाल योजना है, नई है, पुरानी है, जो भी ये योजना है इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर जोर है, मतलब बिजली मजरे तक पहुंच, लेकिन मजरे के अंदर घर घर कनेक्शन पर जोर नहीं है, इतना बजट भी नहीं है, तो उसमें सिर्फ 10% हाउस होल्ड के लिए था और BPL हाउस होल्ड के लिए था, उतना तो दे दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ अभी भी प्रगति में है।
बाकी लोगों के घर जो है वो उनकी यहाँ समस्या रहेगी कि हमारे यहाँ तो नहीं पहुँची है, वो आवेदन करते हैं या जेई के पास जाते हैं और वहाँ पर जैसे आप कह रहे शिकायतें भी आती हैं, कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग सुनते नहीं हैं, इसको अब ख़त्म किए जा रहे हैं। अब हर घर को बिजली पहुँचना ही पहुँचना है, हर घर को हमें कनेक्शन देना ही देना है, ये समस्याएँ जो भी हैं दूर करना ही करना है, अब कोई चारा नहीं है, हमको करना ही करना है। नहीं तो केवल किए हैं, अब ई सुविधा के माध्यम से एक ही दिन होना है ऑनलाइन, ऑनलाइन 3 दिन में आएगा क्योंकि लेजराइजेशन एक प्रक्रिया होता है, लेकिन एक ही दिन कैंप के अंदर उसी दिन वो फॉर्म लिया जा रहा है, उसी ऐप से माध्यम से होगा, मीटर्स भी उसी दिन लगना है। अब केबल की कुछ समस्याएं हैं वो बता रहे हैं, उसको भी हम दूर कर रहे हैं, बट प्रयास ये किया जा रहा है 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर ऑनलाइन सिस्टम में। मैडम ठीक है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता के कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत का 4 जनवरी को 12:30 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय में आएंगे तथा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक लिविंग उपकरण वितरण तथा दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण शिविर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद 1:45 पर लखनऊ चले जाएंगे। मतदाता सूची शुद्ध एवं सही से तैयार करने के लिए कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नर अनिल कुमार ने सभी SDM को निर्देशित किया है कि वे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करके सूची का प्रकाशन 9 फरवरी तक अवश्य करा दें। कमिश्नर ने कहा कि नए मतदाता बनने के लिए पुनरीक्षण अभियान की तिथि समाप्त हो गई है, फिर भी नियमित रूप से कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बन सकता है, इसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बैठक में जिलाधिकारी राजीव रौतेला, ADM प्रशासन प्रभुनाथ, नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मदन त्रिपाठी, कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री समीउल्लाह सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। माननीय विधायक जी तथा यहाँ पे आदरणीय आज ये बैठक सर के द्वारा जो है आहूत किया गया, सर जो है मतदाता सूची के आप दरबार हैं और सर आपको संज्ञानीय कराना चाहूँगा सर, इसके हम लोग बैठक सर 2 बार कर चुके थे राजनीतिक पार्टियों के साथ, मतदाता बाकी सबका फॉर्म फिलिंग की कार्रवाई पूरी हो गई है सर, सदर तहसील का खजनी कहेंगे सर, विधानसभा का अंतिम प्रकाशन सर 9 फरवरी को होना है और हम लोग उस स्थिति में है 9 फरवरी को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा 7 तारीख तक क्षेत्र उसके लिए कि पूरे जिले पूरे जिले के लिए, बाकी सर खजनी विधानसभा बांसगांव चिल्लू पर चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची का प्रकाशन सर जो है 21 फरवरी को होगा सर और खजनी रह गए भी समय से हो जाएगा सर, इसमें कोई चुनाव लेकर महिला मतदाता में सर जो है कुल 15,426 फॉर्म प्राप्त हुए सर, चौरी चौरा में सर पुरुष के मुकाबले सर महिला मतदाताओं की संख्या जो फार्मों की अधिक आई है सर, इसके अतिरिक्त खजनी में सर जो है महिला मतदाताओं की संख्या अधिक आई है सर फार्म पर, ये 2 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें पुरुष से अधिक खजनी और चौरी चौरा सर, मैं अभी गया था खजनी अभी आप ज्यादा बता रहे थे कि महिलाओं का वहाँ नहीं है, नहीं सर वहाँ पे इसमें सर स्पेशल फोकस दिया था क्योंकि जेंडर रेशियो भी ठीक रखना है और जुड़वाइए तो विशेष टेस्ट दिया उसके रिजल्ट से ये लोग जेंडर रेशियो विधानसभा अच्छा जेंडर रेशियो तो बेसिकली हमारे जो वोटर लिस्ट है वो और शुद्ध रहे सुदृढ़ रहे, उसमें करेक्शन जो है वो करेक्शन हो जाए, कोई ऐसा वोटर जो कि वोटर बनने का पात्र हो वो छूटे नहीं और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जो मतदाता के लिए जो फुलफिल नहीं करता है उसका नाम यहाँ पे यूपी में डिविजन कमिश्नर का पद है, यहाँ पे आप लोग कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं,
कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने प्रबंधन की असहयोगी नीति का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि बैंक प्रबंधन ने स्थानांतरण नीति और कर्मचारी विरोधी नीति में सुधार नहीं किया तो वो आने वाले दिनों में हड़ताल करेंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव के सिंह, मंडल अध्यक्ष अखिलेश मोहन, ओपी सिंह, आर्य मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के महासचिव के सिंह ने कहा, क्या मांगे हैं आप लोग? अभी प्रदर्शन की कुल 3-4 मांगे हैं। एक तो नोटबंदी के दौरान 1 वर्ष हो गया और अभी तक ओवर टाइम का भुगतान प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है। दूसरे, अभी हमारे कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए स्थानांतरण नीति के विरुद्ध लोगों का ट्रांसफर किया जाता है, बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। अभी इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा है, कल फैजाबाद में था, उसके पहले बनारस में था, इलाहाबाद में था, बरेली में था, कानपुर में है। अभी इसके बाद अगर इससे पे भी गलत नीतियों का प्रयोग प्रबंधन द्वारा बंद नहीं किया गया तो हम हड़ताल पर जाने के लिए बात करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 7वां जनपदीय वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन शनिवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्र, विशिष्ट अतिथि BRDP कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वसीम सत्यदेव, मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे, ठकुराई जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश, जिला मंत्री गौरव राय कौशिक, जिला कोषाध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य, प्रदेश कार्य समिति सदस्य नगीना सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सम्मेलन में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने तथा शिक्षकों के विविध समस्याओं पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने जन शिक्षा के लिए जन अभियान की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार रखे। विचार है इसका शुरुआत कब से हुआ था, आपको हमने एक दृष्टांत स्वरूप बताया कि जब हम सोचे तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2012 को देखने को मिला, जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी यात्रा शिक्षा बचाओ जन अभियान यात्रा एक संदेश के रूप में प्रदेश के कोने कोने में एक रथ यात्रा के रूप में पहुंचाने का कार्य किया। और दूसरी बात, मित्रों, आज जनपदीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन
सम्मेलन भी है, तो उस जिला सम्मेलन में संगठनों की भूमिका भी और अपने संगठन के पदाधिकारियों की समीक्षा भी आवश्यक होती है, और उस समीक्षा के बाद यह आपका एक ऐसा स्थल है जहां जनपद के पदाधिकारियों के बारे में अपना विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, और तीसरा सत्र निर्वाचन का सत्र होगा। उस निर्वाचन के सत्र में जनपदीय पदाधिकारियों के बारे में आपका विचार और साथ ही साथ अगले सत्र के लिए जनपदीय पदाधिकारियों के चयन पर भी विचार करना है। ऑफ वाटर ए लिटिल पार्ट ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन मेक द माइटी लैंड, क्योंकि छोटी छोटी बूंदों से मिलकर जिसकी शुरुआत एक ट्रेड यूनियन से की गई, आज वह एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लिया है जो दयनीय विषय है, और निश्चित रूप से यह आपको देखना होगा कि कौन संगठन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कर रही है और कौन शिक्षक संगठन ऐसा है जो एक ट्रेड यूनियन के रूप में काम कर रही है। हमारे शिक्षकों के साथ ही साथ शिक्षा के और विद्यार्थियों के हितों। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चल रहे स्वयं सिद्ध 2018 के तहत शनिवार को युवा काव्य गोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। प्रतियोगिता में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े चंद्रशेखर देवानंद, हार्दिक श्रीवास्तव, गौरव त्रिपाठी, पुष्पेंद्र कुमार सहित लगभग 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपने अपने काव्य की प्रस्तुति की। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में डॉक्टर रवि प्रकाश त्रिपाठी और डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र गुप्त सहित कई अन्य गणमान मौजूद रहे। चेहरे पर कश्मीर दिल में तिरंगा, गौर से देखिए हिंदुस्तान, गौर से देखिए हिंदुस्तान, मैं मोहब्बत का पैगाम लेने का हूँ। दिल्ली से लाहौर तक की बात करता हूँ, जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जहां तक मैं ये समझता हूँ साहित्य मोहब्बत का पैगाम देने का नाम है, और कवि और शायर का काम है जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का नहीं। शुरू करता हूँ, सुनिएगा। सरहद की दीवारों में तो भाई के बंटवारे हैं, सरहद की दीवारों में तो भाई के बंटवारे हैं, उस पार सिंध का पानी है, इस पार गंगा की धारे। सरहद की दीवारों में तो भाई के बंटवारे हैं, उस पार सिंध का पानी है, इस पार गंगा की धारे हैं, और कोई कैसे कदम बढ़ाए इस आंगन से उस आंगन तक, सियासत तक पहुंचेगा दोस्तों, कोई कैसे कदम बढ़ाए इस आंगन से उस आंगन तक, इस आंगन में प्यार बसा है, इसमें नफरत के अंगारे हैं। मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूँ, मैं देशभक्त की ज्वाला हूँ और सिंह की संतान हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान और समर्पण। तेरा अभिनंदन तो वतन है चंदन, तेरा अभिनंदन तो वतन है चंदन, जय जयकार किया है तुमने, जय जयकार किया है तुमने, तुमने तुमने गान गाया है, तेरे पद पर चलेंगे हम भी, एक नई क्रांति लाएंगे, सोए हुए को जगाएंगे, मुर्दों को भी उठाएंगे, सोए हुए को जगाएंगे, मुर्दों को भी उठाएंगे। लाशों की ढेरों पर होती अब ये सियासत कैसी है, लाशों की ढेरों पर होती अब ये सियासत कैसी है, इंसानियत जब महफूज नहीं तो फिर ये रियासत कैसी है। और अभी दूसरा पढ़ना चाहूंगा, तो लोग मेरी जो कहते हैं कि सब मजहब के नाम पे कर रहे हैं, रब के ही बंदे हैं मौजूद जब तेरे और मेरे घर में, रब के ही बंदे हैं मौजूद जब तेरे और मेरे घर में, तो अब लोग का खून बहाने की कुछ मिली इजाजत कैसी है। रब के ही बंदे हैं मौजूद जब तेरे और मेरे घर में, तो अब लोग का खून बहाने की कुछ मिली इजाजत।
जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बेतिहाता पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने की। बैठक में गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में पार्टी की सक्रियता और मजबूती पर जोर दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने सहकारिता के चुनाव में विजयी सपा नेताओं को बधाइयां दी। इस दौरान उन्होंने पार्टी सदस्यों को लोकसभा उपचुनाव में पूरी तैयारी से मैदान में उतरने और भारी मतों से जीत हासिल करने के साथ फरवरी में पंचायत स्तर पर बैठकें कर वृहद रूप से मोटरसाइकिल जुलूस निकालने की बात कही। इस अवसर पर जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य, प्रहलाद यादव, फिरंगी प्रसाद, अवधेश यादव, पन्नेलाल यादव, शारदा देवी, अमरेंद्र निषाद, मिर्जा कदीर बेग, पंकज शाही सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। हमारे बीच में प्रदेश सचिव माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार तिवारी जी, मासिक बैठक का है। इसमें हमारे पांडे जी का स्वागत है। आप हमारे प्रदेश से बहुत सारे चुके हैं, आने का फैसला नहीं करें और एक ही जगह हमारे सहमति से एक और है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष में जो तीन अध्यक्ष जिनको बड़ी जिम्मेदारी तर्जुमा इब्राहिम और केंद्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षों को दी गई थी, वैसे तो सातों विधानसभा अध्यक्षों को जिम्मेदारी मिली थी जो बीएलए बना करके और देखे सब लोगों ने दिया थी, लेकिन इन लोगों पर एक और जिम्मेदारी बीएलए की बात आई जो बाकी चार विधानसभा अध्यक्षों पर बाद में आई। और खजनी के अध्यक्षों पर तो जिम्मेदारी 15 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद मैं दूंगा, प्रदेश के निर्देश आने के पूर्व ही वो जिम्मेदारी मैं दे दूंगा, क्योंकि प्रदेश से जो प्रदेश नेतृत्व ने जो चाहा उनको की कमेटियां गठित करने के लिए वो कथन आप लोगों ने प्राइमरी तौर पर उन कमेटियों को बढ़िया ढंग से बनाकर जैसे हमारे लोकसभा गोरखपुर के उपचुनाव को देखते हुए जल्दी जल्दी बनाई गई कमेटी है, जिसके ऊपर से बड़ा प्रेशर हुआ। हालांकि जल्दी बनाई गई कमेटी के लिए भी बहुत जबरदस्त है, एक एक बूथ जो आप लोगों ने बना के दिया है उन बूथों की वहां पे एक एक बूथ की स्क्रीनिंग हो रही है, उनके आधार नंबर चेक किए जा रहे हैं, आप द्वारा दिए गए जो उसमें वोटर आई डी है उसको चेक किया जा रहा है, जो आपने टेलीफोन नंबर लिखे हैं उसको चेक किया जा रहा है, अगर कोई गलत है तो वापस आ रहा है और पूछा जा रहा है कि दर्जनों कमेटियों को दर्जनों बूथों की कमेटियों को जो एक नाम जो उसने कहीं जल्दी में भरते समय या ऊपर बूथ नंबर नहीं आ रहा था जल्दी जल्दी में वोटर नाम है तो उन लोगों को वहां से पूछा जा रहा है, हम लोग यहाँ से क्रेडिट करा रहे हैं, कोई चूक अगर हो गई तो उस पर जिलाध्यक्ष की गर्दन उस पर पकड़ी जाएगी और जिलाध्यक्ष के माध्यम से आपके माध्यम से हम प्राप्त करके रोटी चेक कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है तो हमारे प्रभारी में आकर के बैठे हुए होते हैं और कहते हैं एक तैयार है कोई नहीं, तो ये फिर भी और आप लोगों ने निश्चय ही बहुत मेहनत किया है इसको अभी बाद में बोलेंगे।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वेदिका में 4 दिवसीय अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। प्रदर्शनी में 6 राज्य के 8 विश्वविद्यालय के 26 कलाकारों की मनोहारी चित्रकला, ग्राफिक्स और मूर्ति कला को देखने के लिए विविध कॉलेज के छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी रही। प्रदर्शनी में लगे ग्राफिक्सों को देखने के बाद छात्र छात्राओं ने कलाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर ललित कला एवं संगीत विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भरत भूषण, डॉक्टर राजीव केतन, रागनी अभिषेक सहित कई कलाकार व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रदर्शनी के दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्रा पूर्णिमा और भावना ने कहा, क्या क्या आप देखने हैं? मुझे ये सारी पेंटिंग देखी तो बहुत अच्छा लगा। यूनिक यूनिक चीज देखने को मिल रहा है, अलग अलग जो हम लोग नहीं जानते थे। इसमें पेंटिंग की कई खासियत है, अलग अलग खासियत है सारी पेंटिंग की। कोई किसी चीज से बना हुआ है, कोई किसी चीज से बना हुआ है, बहुत प्यारा प्यारा पेंटिंग है। आपको अच्छा लगा, क्या अलग लगा यहाँ पे आपको? जैसे मैंने सारी पेंटिंग्स देखी और कोई ने किसी ने एक्रिलिक पेंटिंग यूज़ किया है, किसी ने कोई पेंटिंग यूज़ किया है, किसी ने चारकोल से यूज़ किया है, तो सारी पेंटिंग्स अच्छी है। लेकिन वो सारे लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाया है और इसमें एक खास करके सब अलग अलग प्राइस भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स है सारी अच्छी है और इससे देख के मुझे कुछ आइडियाज़ मिले हैं कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए पेंटिंग, किस तरह की पेंटिंग को ओरिजिनलिटी दिखा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मात्र शक्ति, दुर्गा और दुर्गा वाहिनी की संयुक्त बैठक विहिप कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से 18 मार्च से 31 मार्च तक पूरे भारत में आयोजित होने वाले एक माला जप व महाआरती कार्यक्रम की सफलता पर रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने कहा कि गोरखपुर के कार्यकर्ता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे यथाशीघ्र अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों को परिषद के अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया गया। इस मौके पर बजरंग दल के विभाग संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, महानगर सहमंत्री महेश वर्मा, अनिल सिंह, अतुल द्विवेदी सहित संगठन के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कि हमारे पास दायित्व तो अगर आ गया तो दायित्व का बोध होना चाहिए हमको। हमारी हल्की फुल्की बातों से समाज देखेगा, समाज के श्रद्धा के केंद्र बिंदु हम बनते हैं। जब दायित्व तो आता है किसी के ऊपर तो समाज विश्व हिंदू परिषद के आप हैं, बजरंग दल के हैं, मातृशक्ति के हैं, दुर्गा वाहिनी के हैं, तो समाज यह चाहता है कि अगर ये विषय आया तो विश्व हिंदू परिषद का क्या सोच है, क्या कहना है, बजरंग दल का क्या कहना है। ऐसे समय में कुछ भी बोल जाना ये उचित नहीं होगा। संगठन की लाइफ समाज के श्रद्धा के केंद्र बिंदु हम बनेंगे। कोई भी ऐसा विषम परिस्थिति जब आता है तो संपूर्ण समाज अपने को इन कर्तव्य विमूढ़ दिखाई देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
ऐसे समय में जब आवाज आती है विष्णु परिषद के तरफ से, भजन दल के तरफ से, दुर्गा वाहिनी के तरफ से, तो समाज उसके उन्मुख हो जाता है। तो हमको कोई भी विषय जब बोलना हो तो उसकी पूरी तैयारी चाहिए। दूसरा है कि छोटे छोटे विषय को लेकर के कानून हाथ में नहीं लेना। तीसरा विषय है कि जब संगठन की सूचना मिले बैठकों की, कार्यक्रमों की, तो उस बैठक में निश्चित रूप से समय निकाल करके जरूर पहुंचना, और कोई बहुत आवश्यक, बहुत इमरजेंसी हो जाए तभी फोन करके छुट्टी मांगना कि हम इस काम से जा रहे हैं, हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। लेकिन जब बैठक की सूचना हो तो अवश्य में हमको पहुंचना ही है उस बैठक में, चाहे कोई भी परिस्थिति रहे। और लेकिन यह काम एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है, लगातार बार बार लगातार हम जो है छुट्टी छुट्टी मांगते रहेंगे तो ऐसे संगठन नहीं चलेगा। संगठन चलाने के लिए संगठन के नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारे यहाँ नियमित बैठकें होती हैं, और नियमित बैठकें जिस दिन प्रारंभ हो जाएं महानगर में, महानगर पूरा 25 लाख की आबादी है इस महानगर की, 25 लाख लोगों पर कंट्रोल विष्णु परिषद बजरंग दल कर सकता है, लेकिन उसके जो सूत्र वाक्य हैं उसको अपने को ग्राह्य करना पड़ेगा, और वो सूत्र वाक्य है अपने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शर्मा गुट के जिला इकाई के सदस्यों ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा समस्याओं के निराकरण की मांग की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक के साथ न्याय नहीं हुआ तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय नाथ पांडे ने बताया, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, शिक्षक एका जिंदाबाद, 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 का जिंदाबाद, 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 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हम लोग ये बोर्ड परीक्षा 6 फरवरी से होने जा रही है, इसी के लिए बहिष्कार कर रहे हैं। बीते गणतंत्र दिवस पर कासगंज में झंडा फहराने को लेकर चंदन गुप्ता युवक की हत्या के शोक में हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने शनिवार को दीपदान कार्यक्रम का आयोजन बेतिया हाथा चौराहे पर किया। कार्यक्रम के दौरान मंच सदस्यों ने प्रदेश सरकार से चंदन के हत्यारों को फांसी देने की गुजारिश की और चंदन के लिए अमर रहने के नारे लगाए। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष आशीष गुप्ता, महामंत्री मयंक पांडे, अर्पिता श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शांतम गुप्ता, मणि त्रिपाठी, विनोद त्रिपाठी, अमरिंदर चौरसिया सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंत्री मयंक पांडे ने कहा, हम सभी मंच के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रत्येक पदाधिकारी सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं कि इसकी ऐसा आईटी जांच तो चली रही है, साथ में इसमें जो लोग भी शामिल हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, यह हमारी आज की मांग है। अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत मनोज कुमार ने बताया कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण संधि सुलह एवं अपराध स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक शासनीय वाद धारा 138 प्राक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विश्व में हिंदी भाषा की पहचान पर रखे विचार। रविवार को 4,115 दिव्यांगों को मिलेंगे सहायता उपकरण। प्रशासन की तैयारियां पूरी, सीडीओ ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। शासन द्वारा संचालित विद्युत योजनाओं की पावर कारपोरेशन की एमडी ने किया समीक्षा, दिया शासन के सौभाग्य योजना को शिविर के जरिए लागू करने का निर्देश।
राष्ट्रीय वायुश्री योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग जनों के उपकरण वितरण समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थावर चंद गहलोत। मतदाता सूची पुनरीक्षण की कमिश्नर अनिल कुमार ने की समीक्षा, 9 फरवरी तक सूची जारी करने के दिए निर्देश। SBI कर्मचारियों ने प्रबंध समिति के असहयोग नीति का किया विरोध, दी चेतावनी, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 7वां जनपदीय वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन, शिक्षकों ने जन शिक्षा के लिए जन अभियान की प्रासंगिकता विषय पर रखे विचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित हुआ युवा काव्य गोष्ठी प्रतियोगिता, प्रतिभागियों ने दिखाया हुनर। सपा की मासिक बैठक हुई संपन्न, सदर लोकसभा सीट से होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए कसी कमर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अमृत कला वेदिका के दूसरे दिन लगी 6 राज्य के 8 विश्वविद्यालय की कला प्रदर्शनी। विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदूवादी संगठनों की बैठक हुई संपन्न, 18 से 31 मार्च तक पूरे भारत में आयोजित होने वाले एक माला जप और राम उत्सव कार्यक्रम की सफलता पर बनाई गई रणनीति। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट ने DM कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर बोर्ड परीक्षाओं को बहिष्कार करने की दी चेतावनी। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने किया दीपदान, प्रदेश सरकार से की चंदन के हत्यारों को फांसी की मांग। और 10 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का संधि सुलह एवं अपराध स्वीकृति के आधार पर होगा निस्तारण। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।